हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम एक टॉपिक लेकर आ गए हैं, ऑटोमेटिक वर्सेस मैनुअल कार ट्रांसमिशन के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह की रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस अगर आप भी चाहते हो किसी एक स्पेसिफाइड टॉपिक पे वीडियो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जी। तो जैसा कि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू टाइम गाड़ियों में काफ़ी बदलाव आए हैं। आज हम उसी टॉपिक एक टॉपिक से रिलेटेड जो कि मेन माना जाता है उस पर चर्चा करेंगे। वो है ऑटोमेटिक वर्सेस मैनुअल कार ट्रांसमिशन। जी हाँ, जैसे ही आप ऑटोमेटिक कार का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में पहली चीज़ यही आती है कि वो कार लग्जरी, प्रीमियम, कंफर्ट और स्टेटस सिंबल के लिए अच्छी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आज के टाइम की बात करें तो नॉर्मल कारों से ऑटोमेटिक कारों का चलन काफ़ी बढ़ गया है। चाहे वो बिगनर हैं तो वो भी अगर नई कार लेने के बारे में सोचता है तो वो भी ये ज़्यादातर देखता है कि अगर उसे मैनुअल कार के प्राइस में अगर ऑटोमेटिक कार मिल जाते हैं तो उसके लिए काफ़ी फायदे हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि कौन सी कार बेटर है, मैनुअल या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कार, कि और जानते हैं इनके फायदे और कमियों के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कारों में क्या रहता है, वो एक गियर सिस्टम होता है। जैसे आपने क्या रहता है कि आपने प्लग लगा दिया तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है बार बार कि आपको सिर्फ अपना जो ध्यान है वो आपकी ड्राइविंग पे रखना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि आपको बार बार ये नहीं देखना कौन सी गियर में चल रही है, फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। आपने एक बार उसे ड्राइविंग मोड में डाल दिया तो फिर आपने अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आप उसे चला सकते हो। अगर ऑटोमेटिक कारों की बात करें तो ये शहरों में परफॉर्मेंस के लिए अच्छी है, क्योंकि इसमें बार बार आपको क्लच और गियर या कॉम्बिनेशन बैठाने की ज़रूरत नहीं होती या बार बार गियर बदलने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसके साथ साथ ये हाईवे और पहाड़ी इलाकों में इसे चलाते हो तो थोड़ी दिक्कत कहीं ना कहीं आती है। और अगर आप कंफर्ट ड्राइविंग चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप पावर एक्सपीरियंस की बात करते हो तो कहीं ना कहीं इसमें आपको थोड़ी सी निराशा हाथ जरूर लगेगी। मैनुअल ट्रांसमिशन अगर कार की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन कार में एक प्रॉपर गियर बॉक्स होता है। जैसा आपने देखा स्टार्टिंग से, अगर आप गाड़ी यूज़ करते हो तो हर पर्सन अपनी ड्राइविंग की शुरुआत ज़्यादातर 90% केसों में मारुति कार से ही करता है, या बाकी कुछ ऐसी कारें हैं जो पहले वो स्टार्टिंग में मारुति 800 या बाकी कुछ और भी कारें हैं जिनसे अपनी ड्राइविंग की शुरुआत करते हो, क्योंकि वो नॉर्मल गाड़ी मानी जाती है इसलिए उसका नाम बार बार आता है। और मैनुअल कार में एक प्रॉपर गियर बॉक्स होता है, इसमें आपको स्पीड के और ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपको गियर बदलना पड़ता है। अगर शहरों में आप मैनुअल कार चला रहे हो तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, तो कहीं ना कहीं आपको बार बार गियर बदलने वाला जो सिस्टम है वो बार बार करना पड़ता है। इसमें क्लच और गियर का कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ता है। ऐसे में अगर आप मैनुअल में कंफर्ट ड्राइव चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको निराशा लगेगी। लेकिन अगर आप पावर ड्राइव की बात करते हो तो कहीं ना कहीं आपको इसमें कुछ एक फ़ायदा हो सकता है जी। तो ये थे आज के टॉपिक से रिलेटेड डिटेल। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। कुछ पॉइंट अगर मिस रहा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।